खमन ढोकला छोटों से लेके बड़े सबको बहुत पसंद आता है और ये ढोकले में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल हैं जो हमेशा हमारे घर पे मिल जाते हैं। आज मैं आपके साथ में खमन ढोकले की परफेक्ट रेसिपी सिखाने वाली हूँ। दोस्तों अगर आपने ये रेसिपी एक बार घर पे बनाई तो आप कभी भी बाहर से खमन ढोकला नहीं लाएंगे। ये ढोकला बिल्कुल बाहर के जैसे मिलता हुआ जालीदार और सॉफ्ट तैयार होता है। तो चलिए सभी के फेवरेट खमन ढोकला की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। खमन ढोकला बनाने के लिए मैंने एक बोल ले लिया है और उसके ऊपर मैं छन्नी रख देती हूँ। मैंने 1 कप + 3 टेबलस्पून बेसन लिया है, जो 200 ml का मेजरिंग कप आता है वो नाप से मैंने 1 कप + 3 टेबलस्पून बेसन लिया है। ये 120 ग्राम बेसन है, जो बारीक वाला बेसन होता है हमें वही लेना है। 1 टेबलस्पून शक्कर, मैंने यहाँ पे घर की पिसी हुई चीनी ली है जो जल्दी से पिघल जाएगी, इसके लिए मैंने ली है। अगर आपके पास घर की पिसी हुई चीनी ना हो तो आप साबुत चीनी का भी उपयोग कर सकते हैं। अब मैं सारी सामग्री को छान लेती हूँ। आप जब भी खमन ढोकले को बनाएं तभी हमेशा बेसन को छान के लीजिएगा। दोस्तों छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम बिल्कुल बाहर के जैसे खमन ढोकला घर पे भी बना सकेंगे। दोस्तों मैंने गलती से थोड़ा छोटा बोल ले लिया है तो मैं बोल को शिफ्ट कर लेती हूँ। मैं ये मिश्रण को बड़े बोल में डाल देती हूँ। अब मैं इसमें बाकी की सामग्री ऐड कर देती हूँ। 1 चुटकी हल्दी, 1/2 टीस्पून नींबू का सत। नींबू का सत हमें इस प्रकार से पूरा भर के लेना है। नींबू का सत, जिसे सिट्रिक एसिड या नींबू का फूल भी कहा जाता है, हमें वही उपयोग करना है। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बाहर मिलता हुआ जो ढोकला होता है वो सिखाने वाली हूँ, इसलिए हमें नींबू का सर डालना ज़रूरी है, पर अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास बहुत पुराने वाले जो नींबू के सत होंगे तो फिर आप उसको उपयोग मत कीजिएगा, वो अच्छे से एक्टिव नहीं होते हैं, तो आप हो सके तो जो फ्रेश लाए हैं नींबू का सत उसका उपयोग कीजिएगा। 1 टेबलस्पून तेल, तेल डालने से ढोकला बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया तैयार होता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे 200 ml का जो मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1 कप पानी लिया है, उसमें से मैं केवल 1/2 कप पहले डालूंगी, 1/2 कप मैं बाद में डालूंगी। अब मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ। खमन ढोकला बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से तैयार होता है, पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपने इसे ध्यान से देखा और फॉलो किया तो आपका भी ढोकला जो बाहर मिलता है खमन ढोकला बिल्कुल वैसा तैयार होगा। अब सारी सामग्री मिक्स हो चुकी है, अब मैं बाकी का बचा हुआ पानी भी ऐड कर देती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमने इसमें सिट्रिक एसिड डाला है, तो ये अच्छे से मिक्स होना बहुत ही ज़रूरी है। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल देती हूँ। नमक भी थोड़ा सा हमें भर के लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुका है। दोस्तों मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी बताती हूँ, आप ये कंसिस्टेंसी को ध्यान से फॉलो कीजिएगा, हमें इसी प्रकार की कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आपको इस प्रकार की कंसिस्टेंसी ना मिले तो आप इसके अंदर 1 नहीं तो 2 चम्मच पानी और भी ऐड कर सकते हैं। हमारा ढोकले का मिश्रण तैयार हो चुका है, इसे मैं साइड में रख देती हूँ और पहले हम स्टीमर तैयार कर लेते हैं। जब भी आप ये ढोकला बनाएं तभी एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा, आप ढोकले के अंदर सोडा डालिए, उससे पहले आपका स्टीमर रेडी हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप मिश्रण में सोडा डालिएगा। मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैंने स्टैंड रख दिया है और उसमें मैं पानी ऐड कर देती हूँ। इसे मैं मीडियम आंच के ऊपर गर्म करने के लिए रख देती हूँ। अब हम जिसमें ढोकला स्टीम करने वाले हैं वो तैयार कर लेते हैं। मैंने 6x6 इंच का स्क्वायर टिन लिया है, उसको मैं ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ। दोस्तों टिन के जो कॉर्नर्स है वहाँ पे अच्छे से ऑयल लगाइएगा, जिससे हमारा ढोकला बहुत ही आसानी से अनमोल्ड हो जाएगा। टिन रेडी हो चुका है और स्टीमर भी तैयार हो चुका है। अब मैं ढोकले के मिश्रण को ले लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून खाने का सोडा डाल देती हूँ। सोडा हमें इस प्रकार से भर के लेना है। दोस्तों आपको सोडा, नमक, सिट्रिक एसिड सारे सेम प्रपोर्शन में लेना है।
सोडा डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही सोडा डालने के बाद ये डो एक्टिव हो जाता है और ये फूलने लगता है। हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है दोस्तों। जब भी आप ये मिश्रण को मिक्स करेंगे तभी इस प्रकार से यहाँ पे बोल में ही इसे मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि ये मिश्रण जब आप मोल्ड में डालेंगे स्टीम करने के लिए तभी वो बिल्कुल भी नहीं फूलेगा। आपको इसे बोल में ही फुला लेना है। आप ये कंसिस्टेंसी को ध्यान से फॉलो कीजिएगा, हमें इसी प्रकार की कंसिस्टेंसी रखनी है। ये रेडी हो चुका है, मैं इसे तुरंत ही स्टीम करने के लिए डाल देती हूँ। मैंने स्टीमर के अंदर पहले से मोल्ड को रख दिया है, अब मैं मिश्रण को अंदर डाल देती हूँ। इसे थोड़ा सा आपको स्पीड में करना होगा। मैंने मिश्रण को मोल्ड में डाल दिया है, अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ और इसे मैं 15 से 16 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए रख देती हूँ। दोस्तों जब भी आप स्टीमर के अंदर पानी डालें तभी आप पानी को अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा, जिससे अगर आप लंबे समय तक ढोकला को स्टीम करेंगे तो वो अच्छे से स्टीम होगा। 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये देखें दोस्तों, ढोकला बहुत ही बढ़िया तरीके से फूले हैं और तैयार हो चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखें दोस्तों, ढोकले ने साइड्स भी छोड़ दी हैं, ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं आँच को बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा कर लेती हूँ। मैंने स्टीमर में से मोल्ड को बाहर निकाल लिया है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अगर ढोकला तैयार हो जाता है तो वो जो साइड्स होता है वो छोड़ देते हैं। ढोकला अभी गर्म है तो मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ। दोस्तों जब तक हमारा ढोकला ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके ऊपर एक जो तड़का लगाना है वो तैयार कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैं 1.5 टेबल स्पून तेल ले लेती हूँ। इसे मैं गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं 2 मिर्ची, जो तीखी वाली मिर्ची आती है, वो डाल देती हूँ। मैं यहाँ पे तीखी वाली मिर्च का उपयोग कर रही हूँ, जिससे ढोकले में थोड़ा सा तीखापन मिलेगा। 1 टेबल स्पून सरसों, थोड़ा सा कड़ी पत्ता। मैं हमेशा ढोकला बनाती हूँ तब थोड़ा सा कड़ी पत्ता ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ। मेरे घर में ये क्रिस्पी कड़ी पत्ता बहुत पसंद किया जाता है, पर अगर आप चाहें तो आप कड़ी पत्ता थोड़ा कम भी ले सकते हैं। थोड़ी सी हींग डाल दूंगी। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद तिल। जैसे ही तिल क्रैकल हो जाएंगे मैं इसके अंदर 100 ml पानी डाल देती हूँ। 2 टेबल स्पून शक्कर। अब मैं सारी सामग्री को 1 से 2 बॉईल आने तक उबाल लेती हूँ। हमारा जो वगार है वो तैयार हो चुका है, इसे मैं थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ। ढोकला ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे अनमोल्ड कर लेती हूँ। भले इसका साइड छोटा हुआ है फिर भी हम एक बार इसके ऊपर नाइफ घुमा देंगे। मैं सारे कॉर्नर्स के ऊपर नाइफ घुमा लेती हूँ और इसे मैं अनमोल्ड कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार तैयार हुआ है। आप इसका ये जाली देखिए दोस्तों, ये बहुत ही जालीदार और बिल्कुल बाहर मिलता हुआ ढोकला तैयार हुआ है। दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा बड़े हाइट वाले ढोकले पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसे 6x6 इंच के टिन में डाला है। अगर आपको ज़्यादा हाइट वाला अगर ढोकला चाहिए तो आप इसको छोटे टिन में डालेगा तो आपको बहुत ज़्यादा हाइट वाला ढोकला मिलेगा। मैं हमेशा यही हाइट का ढोकला बनाती हूँ। दोस्तों हमारा बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ढोकला तैयार हो चुका है। अब मैं इसे सीधा कर लेती हूँ और इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। ढोकला एकदम ठंडा हो चुके हैं, अब मैं इसके पीसेस कट कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही जालीदार और सॉफ्ट ढोकला तैयार हुआ है। ये देखिए आप, बहुत ही जालीदार और सॉफ्ट ढोकला हमारा तैयार हुआ है। मैं इसे दबा रही हूँ और फिर भी ये बाउंस बैक होके वापस वैसा बन रहा है। जैसे मैंने आपको सिखाया ना दोस्तों, बिल्कुल वही प्रोसेस से आप इसे तैयार कीजिएगा, आपका भी ढोकला बहुत ही बढ़िया तैयार होगा। दोस्तों हमारा ढोकले तैयार हो चुके हैं, अब मैं इसे एक प्लेट में ले लेती हूँ। मैं सारे ढोकले के पीसेस को प्लेट में अरेंज कर लेती हूँ। आप जब भी ढोकले के ऊपर जो शुगर सिरप डालेंगे तो हमेशा इस प्रकार की जो डिप प्लेट आती है उसमें ही लीजिएगा। मैंने सारे ढोकले के पीसेस को प्लेट में अरेंज कर लिया है। अभी हमने जो तड़का तैयार किया है वो मैं इस पर डाल देती हूँ। सब जगह पे अच्छे से हम तड़के को डालेंगे,
जिससे ढोकला सारा तड़का एब्जॉर्ब कर लेगा और भी सॉफ्ट हो जाएंगे। मैंने ढोकले के ऊपर तड़का लगा दिया है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं और ढोकला बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। उसके ऊपर मैं ये कद्दूकस किया हुआ कोकोनट डाल देती हूँ। दोस्तों, नारियल के बगैर ढोकला बिल्कुल अधूरा होता है। दोस्तों, हम गुजराती लोग बहुत सारे ढोकला बनाते हैं और हमेशा हमें नारियल लगता है, तो मैं इस प्रकार से जो फ्रेश कोकोनट आता है उसको कद्दूकस करके रख देती हूँ डब्बा भर के, और ये फ्रीजर में करीबन 5 से 6 महीने तक बहुत ही अच्छा रहता है। और जब भी यूज़ करना होता है तब मैं इसे बाहर निकाल के इसका उपयोग करती हूँ। इस प्रकार करने से मेरा काफ़ी समय बच जाता है। अब मैं ढोकले के ऊपर बारीक कटे हुए धनिया डाल देती हूँ। दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखे दोस्तों, अगर आपने इसे एक बार घर पे बनाया तो कभी भी आप बाहर से ढोकला नहीं लाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस तैयार हुआ है। दोस्तों, हमने तो ये ढोकला तैयार कर लिया है, पर उसके साथ में ढोकले के साथ में खमन की चटनी और संभारा, उसके बगैर तो ये खमन ढोकला अधूरा है, तो चलो वो बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है और उसके अंदर मैं 8 से 10 खमन ढोकले के पीसेस डाल रही हूँ। ये 100 ग्राम खमन ढोकला है। 4 से 5 तीखी वाली हरी मिर्च, आप मिर्ची का नाप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, पर ये चटनी थोड़ी स्पाइसी रहेगी तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। मैं ये साइज़ का अदरक का टुकड़ा डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून शक्कर, ये चटनी थोड़ी खट्टी मीठी होती है तो बहुत टेस्टी लगती है। शक्कर बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही आप इसमें ऐड कीजिए, पर ये चटनी थोड़ी खट्टी मीठी ही अच्छी लगती है। नमक स्वाद के अनुसार, 1 टेबल स्पून नींबू का रस, 1 कप धनिया, धनिया को मैंने धो के उसे साफ कर लिया है, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। आप जब भी चटनी बनाएं तभी हमेशा नासिक धनिया आता है उसी का उपयोग कीजिए, उससे चटनी का रंग बहुत ही बढ़िया आता है। 1/2 कप पानी। अब मैं सारी सामग्री को ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने चटनी को पीस लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। हमें इसी प्रकार की कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आपको ये कंसिस्टेंसी ना मिले तो आप इसमें थोड़ा पानी और डाल सकते हैं। आप ये चटनी को कोई भी स्नैक्स और स्टार्टर के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं तो इसे कई बार जो सेव पूरी की पूरी आती है उसके साथ भी सर्व करती हूँ और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। आप ये चटनी को बना के फ्रीज में 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी रहती है। हमारा खमन ढोकले में से चटनी बनके तैयार है। अब हम संभारा बना लेते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून कढ़ाई में तेल ले लिया है, उसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। उसके अंदर मैं 1 टीस्पून राई डाल रही हूँ। राई क्रैकल हो रही है, मैं थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ। और मैंने ये भावनगरी मिर्च ली है, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। इसे हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। मैंने कच्चे पपैये को ग्रेट कर लिया है, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। और मैं अभी पहले आंच को बंद कर देती हूँ। इसे हम मिक्स कर लेंगे। हमें पपैये को बिल्कुल भी कुक नहीं करना है। इसके अंदर मैं नमक डाल देती हूँ, स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 नींबू का रस, 1 टेबलस्पून शक्कर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो ही डालिए, पर हमेशा ये जो तैयार होता है पपैये का अचार उसके साथ में शक्कर डाली जाती है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, ये ढोकले के साथ में ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। खमन ढोकले के साथ जो संभारा भी सर्व किया जाता है वो भी तैयार हो चुका है। हमारा टेस्टी यम्मी डिलीशियस खमन ढोकला जो हम बाहर मिलता है, बिल्कुल वैसा ही खमन ढोकला घर पे तैयार किया है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करिए। और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।